जिम्नोस्पर्म की दूसरी क्लास हम लोग शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून। और एज वी नो कि जिम्नोस्पर्म में कल हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी इनकी डिस्कस कर रखी है। कल हम लोगों ने देखा था कि जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म क्यों है। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। सो दे हैव अनकवर्ड सीड। ये एक छोटी सी बात थी जो हम लोग कल बात कर चुके हैं। अनकवर्ड सीड, अ प्लांट विथ अनकवर्ड सीड। और ये भी हम लोग बात डिस्कस कर चुके हैं कि जिम्नोस्पर्मा द स्पोरोफाइट। और अगर कोई भी दुनिया में प्लांट स्पोरोफाइट है तो वो इस दुनिया में गैमिट बनाने नहीं आया है। क्या बनाने आया है? स्पोर्स। और अगर वो स्पोर बनाने आया है तो दुनिया के हर स्पोरोफाइट के पास तीन बातें जरूर होनी है। एक तो रूट होना है, एक तो स्टेम होना है, और लीफ। तो रूट, स्टेम, लीफ के अलावा हम लोग क्या ढूंढेंगे वो हम बात कर चुके हैं। वी विल सर्च फॉर स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, मियोसिस एंड स्पोर। और कल मैंने आपको इसके दो इम्पॉर्टेंट प्लांट के बारे में कुछ आइडिया पढ़ाया था। और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्लांट का नाम था साइकस और दूसरे इम्पॉर्टेंट प्लांट का नाम था पाइनस। मैंने कल आपको ये बताया था कि साइकस और पाइनस कैसे मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। मैंने बोला था कि दोनों की रूट में डिफरेंस है। साइकस के पास कोरलॉइड रूट है, पाइनस के पास रूट में माइकोराइजा है। और इसमें से एक का स्टेम है अनब्रांच और एक का ब्रांच। अनब्रांच किसका है? साइकस का। ब्रांच किसका है? पाइनस का। और लीफ के बारे में बताया था, दे मे हैव सिंपल लीफ, दे मे हैव कंपाउंड लीफ, दे मे हैव नीडल्स। और नीडल्स दोनों में नहीं है, केवल किसमें है? पाइनस। अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है तो आप रॉन्ग वीडियो में है। इसका मतलब आपको इसके ठीक एक पहले का वीडियो देखना है। सो आप लोग वीडियो हमेशा वॉच करिए और तब आगे आइए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है और बहुत मुश्किल में आएंगे आप। सो आज हम लोग साइकस और पाइनस की लाइफ साइकिल को पढ़ने आए हैं और एनसीईआरटी के हर पेज में दिए गए हर एक पॉइंट को समझने आए हैं कि हाउ द साइकस लाइफ साइकिल गोज ऑन, हाउ द पाइनस लाइफ साइकिल गोज ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग साइकस को उठाते हैं। साइकस मैं पढ़ाऊंगा, पाइनस आप लोग मुझे पढ़ाएंगे, क्योंकि जो रूल साइकस में लगेंगे वही रूल पाइनस में लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइकस को डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, साइकस को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मालूम है द साइकस हैव रूट, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। द साइकस हैव अनब्रांच स्टेम, अनब्रांच स्टेम, एंड द साइकस हैव द लीफ, एंड दीज लीव्स आर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जस्ट लाइक जैसे डेट पाम होता है, ठीक वैसा होता है। लेकिन डेट पाम तो बहुत बड़ा होता है, ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल साइज प्लांट है। दीज आर लाइक साइकस। तो मैं सिंपली लिख दे रहा हूं कि ये भाई रूट है। कल मैं बना चुका हूं, दोबारा बना रहा हूं। इसका मतलब कोई बात तो होगी, ये स्टेम है और ये है लीफ। अब रूट, स्टेम, लीफ के अलावा मैंने आपको ये सिखाया है कि जब भी रूट, स्टेम, लीफ मिल जाए आपको इसमें स्पोरोफिल ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? स्पोरोफिल। सो हमने कहा कि सर यहां पर जो स्पोरोफिल है वो स्कैटर्ड है कि ग्रुप में है? ग्रुप में है। अब आपको मालूम है स्पोरोफिल इस दुनिया में दो प्रकार की हैं। दीज आर नॉट द रियल डायग्राम, पहले से बोल दे रहा हूं, बुक में ढूंढोगे ये डायग्राम नहीं मिलेंगे। ये सारे डायग्राम रे डायग्राम है जो आपको समझने के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी लीव्स एंड दीज लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल, दीज आर नोन एज स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल भी दुनिया में दो प्रकार की हैं, बिकॉज साइकस और पाइनस और होल जिम्नोस्पर्म दे आर हेट्रोस्पोरस। कैसे? हेट्रोस्पोरस। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पोर्स? टू। वन इज माइक्रोस्पोर, अनदर वन इज मेगा स्पोर। तो माइक्रोस्पोर को बनाने वाली पत्तियों का नाम, यस इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। बोलो क्या नाम है? माइक्रोस्पोर। और अगर ये माइक्रोस्पोरोफिल हैं तो यहां जो स्पोरेंजिया होंगी, जो यहां पर स्पोरेंजिया होंगी, इन स्पोरेंजिया का नाम क्या होगा? दीज आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। और आपको मालूम है माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया यहां पर बेटा सिंगल रह रही है कि कॉम्पैक्ट रह रही है? कॉम्पैक्ट। और याद रखना पूरे प्लांट किंगडम में या पूरे लिविंग वर्ल्ड में माइक्रोस वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद द मेल, ऑलवेज रिलेटेड विद द मेल।
माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया के इस ग्रुप का नाम है कोन, और अगर मैं इसे कोन बोलूं तो कौन सा कोन बोलूं? मेल कोन। कई बार कोन को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं स्ट्रॉबिलस, सो वी कैन से इट इज मेल स्ट्रॉबिलस। अगर आप इतना सीख चुके हो तो आप कल वाली बात को केवल दोहरा रहे हो। द रूट स्टेम लीफ, और मैंने अपना काम किया, स्पोरोफिल मिल गई। कौन सी वाली? माइक्रोस्पोरो। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया के इस झुंड का, इस ग्रुप का नाम मेल कोन और मेल स्ट्रॉबिलस। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इतना सीख गए हो तो मैं एक और साइकस आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड नाउ दिस इज अ रूट अगेन, ये एक रूट है, और फिर से हमने बोला कि सर यहाँ पर स्टेम है, ठीक है, और स्टेम के बाद फिर से मैंने बोला कि ये लीफ है। साइकस मैं कर दे रहा हूं, पाइनस आपको करना है, इसलिए बहुत अवेयर रहना है, आपको बहुत अवेयर रहना है जो मैं पूछ रहा हूं। तो रूट हो गया, नाउ दिस इज स्टेम। अगेन मैं बार बार वही बातें लिख रहा हूं, जरूर मैं चाहता हूं कि आप इन्हें दोहराएं। रूट स्टेम लीफ के बाद अब हम यहां पर दूसरी तरीके की स्पोरोफिल का कहानी बता रहे हैं, और ये भी रियल डायग्राम नहीं है, ये भी रे डायग्राम है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। और इन स्पोरोफिल का नाम है मेगा स्पोरोफिल। ध्यान सुनिए, इट इज नोन एज मेगा स्पोरोफिल। अब डिफरेंस बताइए, इन स्पोरोफिल का नाम क्या है? माइक्रो स्पोरोफिल, तो इनका नाम मेगा स्पोरोफिल। तो इनकी स्पोरेंजिया का नाम बताइए क्या होगा? मेगा स्पोरेंजिया। इनकी स्पोरेंजिया का नाम क्या था? माइक्रो स्पोरेंज। सो दीज स्पोरेंजिया आर नोन एज मेगा स्पोरेंजिया। इट्स अ सिंपल थिंग, मेगा स्पोरेंजिया। और याद रखना, अगर ये ग्रुप एक कोन है तो ये ग्रुप भी एक कोन है। मेगा इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फीमेल, बुरा कितना भी लगे इस पूरे नेचर में फीमेल इज लार्जर इन एवरी फंक्शन। याद रखना, दिस इज नोन एज फीमेल कोन। सो भाई आपके पास एक कोन कौन सा हुआ? मेल कोन, और एक कोन फीमेल कोन, और दोनों एक ही प्लांट में हुए कि अलग अलग? अलग अलग। और इसलिए इस कंडीशन को हमने रखा डाईसीएस। कैसे याद रखेंगे? डाई मतलब दो, ईसीएस मतलब घर, यानी दो लोगों के दो घर, अलग अलग घर, यानी मेल अलग फीमेल। सो मेल और फीमेल कोन आपको समझ में आ गए। अब मेल एंड फीमेल कोन का लीनियस जिस बच्चे ने पकड़ लिया, जिसने भी पकड़ लिया वो हीरो है। अब लीनियस क्या है? लीनियस मैंने आपको ये सिखाया था कि व्हेन यू फाइंड स्पोरोफाइट यू सर्च फॉर माइक्रोस्पोरोफिल। नाउ व्हेन यू फाइंड माइक्रोस्पोरोफिल यू सर्च फॉर माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड द माइक्रोस्पोरेंजिया हैव द टिश्यूज नोन एज माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। तो मैं बोलूं यहां पर जो टिश्यूज हैं, मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां पर सर जो टिश्यूज हैं, दीज टिश्यूज आर नथिंग, ये हैं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। तो देखिए, लिखने की भले जगह ना हो लेकिन आपको यहां पर समझना पड़ेगा, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। अब देखिए, समय आने वाला है आपको समझने का, बहुत बढ़िया। और माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं, सी अगेन माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, एंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, एंड दीज सेल आर नोन एज माइक्रोस्पोरोजिनस, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड थैंक यू वेरी मच, माइक्रोस्पोर मदर सेल समझने के लिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बार बार पूछता हूं, इसका मतलब कोई बात तो होगी। बताइए, प्लांट एन है कि टू एन? टू एन। तो रूट, स्टेम, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, टू एन माय डियर। एंड नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेरे पास लिखने की जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब यहां नहीं बन रहा, बन सब कुछ यहीं रहा। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल विल गो फॉर मियोसिस। क्या करेगी? मियोसिस। और जैसे ही बेटा मियोसिस होगी, यहां पर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। एक मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर, एंड माइक्रोस्पोर आर हैप्लॉयड, तो इन्हें लिखेंगे हम लोग माइक्रोस्पोर। और याद रखना, माइक्रोस्पोर दुनिया का कोई भी स्पोर हो, इट विल जर्मिनेट, इट विल। और जर्मिनेट कहां? जमीन में कि यहीं पर? यहीं पर।
और माइक्रोस्पोर अगर जर्मिनेट कर गया, इट विल फॉर्म मेल गैमिटोफाइट। मैंने पहले बताया दुनिया में हर स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है, गैमिटोफाइट, पर यहां तो क्या बन रहा है, मेल गैमिटोफाइट। क्या बन रहा है? और दिस मेल गैमिटोफाइट माय डियर, प्लीज मत भूलना, प्लीज 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 मत भूलना, दिस मेल गैमिटोफाइट इज नथिंग बट पॉलन ग्रेन। इसी का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। तो भैया अगर कोई पूछे कि पॉलन ग्रेन कहां बने, तो बोलोगे सर पॉलन ग्रेन बने हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में। तो जो मैंने यहां लिखा है एक्चुअली ये यहां हो रहा है। चलो मेरे साथ बोलो, इट इज रूट, स्टेम, लीफ, इसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल, इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर कहां, यहां मियोसिस, मियोसिस, और मियोसिस से क्या बने, माइक्रोस्पोर, नीचे की यहां, यहां, और माइक्रोस्पोर यही जर्मिनेट हुए, क्या बना है, पॉलन ग्रेन। तो मैं बोलूंगा यहां से निकल के आएंगे पॉलन ग्रेन्स, क्या निकल के आएंगे, और दीज पॉलन ग्रेन्स आर गैमिटोफाइट। अब कितने लोग हैं जो आगे बढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है तो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते। पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमिटोफाइट, और गैमिटोफाइट दुनिया में क्या बनाने आया है, गैमिट। तो बताओ पॉलन ग्रेन गैमिट है? नो, पॉलन ग्रेन इज नॉट गैमिट, बट दिस पॉलन ग्रेन, मैं यहां हटा दे रहा हूं, दिस पॉलन ग्रेन विल हैव गैमिट, इसके पास क्या होगा, गैमिट। सो पॉलन ग्रेन के पास होंगे गैमिट्स, और बताइए कैसे गैमिट्स होंगे, मेल गैमिट्स, बोलो कैसे, तो बताओ पॉलन ग्रेन इज गैमिट और गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट, एंड दैट विल हैव गैमिट, और ये यहां से हवा में उड़ेगा, उड़ेगा और उड़ेगा और हवा में चलेगा, कौन, मेल गैमिट, मेल गैमिटोफाइट। बेवकूफो, मेल गैमिटोफाइट मूव कर रहा है, और मेल गैमिटोफाइट हवा में मूव कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है फर्टिलाइजेशन हमेशा गैमिट का होता है, और यहाँ गैमिट मूव कर रहा है कि गैमिटोफाइट, पर उस गैमिटोफाइट के अंदर क्या है, मेल गैमिट्स। अगर इतना सीख लिया तो बहुत काम बनने वाला है। अच्छा, चूंकि मैं रे डायग्राम बनाता हूं, कई बार बच्चे गुस्सा हो जाते हैं जब मैं ऐसा करता हूं, मैं पहले बता रहा हूं इट इज नॉट रियल डायग्राम, आप लोग की लड़ाइयां मुझसे नहीं जुलती। तो ये जो मेगा स्पोरोफिल हैं, इसकी हर स्पोरोफिल में, मैं पहले से बता दूं, हर स्पोरोफिल में देर इज अ मेगा स्पोरेंजिया, देर इज अ, लेकिन मैं हर मेगा स्पोरेंजिया को बनाने जाऊंगा ये जगह इतनी कम पड़ जाएगी मैं लिख नहीं पाऊंगा। पहले से एक्सेप्ट कर रहा हूं जो मैं बनाने जा रहा हूं दैट इज नॉट रियल, दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो याद रखना हर मेगा स्पोरोफिल में एक मेगा स्पोरेंजिया होती है, लेकिन हम एक कॉमन मेगा स्पोरेंजिया से आपको चीजें सिखाना चाहते हैं, हम ये सिखाना चाहते हैं कि जो इस एक मेगा स्पोरेंजिया में हो रहा वो सारी मेगा स्पोरेंजिया में हो रहा। तो अब बताओ क्या मैंने बोला यहां पर एक ही मेगा स्पोरेंजिया, क्या एक ही मेगा स्पोरेंजिया, नो, देर आर सो मैनी मेगा स्पोरेंजिया बिकॉज देर आर सो मैनी मेगा स्पोरोफिल। तो भाई क्यों सर मैं एक ही मेगा स्पोरेंजिया क्यों बना रहा हूं, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाकी स्ट्रक्चर पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो अब बताओ ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, दिस दिस इज मेगा स्पोर और मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, बोलो क्या है, एंड माय डियर स्टूडेंट हाथ जोड़ के निवेदन है, दिस मेगा स्पोरेंजिया इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल। तीन बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, तीन बार, कि बताओ ओव्यूल का दूसरा नाम, माइक्रोस्पोरेंजिया की मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, ओके नाउ, तो बताओ क्या पूरी मेगा स्पोरोफिल सब की मेगा स्पोरोफिल में मिलाकर एक ही मेगा स्पोरेंजिया है, नो, जितनी मेगा स्पोरोफिल उतनी मेगा स्पोरेंजिया। फिर सर ने ऐसा क्यों किया, सर के पास जगह नहीं है समझाने की, आप मुश्किल हो जाओगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेगा स्पोरेंजिया, और इस मेगा स्पोरेंजिया की आउटर कवरिंग, दिस आउटर कवरिंग इट इज नोन एज इंटेग्यूमेंट, बोलो क्या है ये, इंटेग्यूमेंट, और इसके अंदर वाले टिश्यूज का नाम है न्यूसेलस, बोलो क्या नाम है, न्यूसेलस, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज नोन एज न्यूसेलस। सबका मैं चार्ट बनवा दूंगा, मैं केवल अभी अभी केवल मेरे पास मजबूरी है कि मैं डायग्राम से चीजों को दिखा दूं, ऑल्दो एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है,
पर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप एक पिक्चर मेमोरी लेके चलो। चलो बताओ ये क्या है? रूट, फिर स्टेम, लीफ, फिर लीफ। देयर आर सो मेनी मेगा स्पोरोफिल, तो देयर आर सो मेनी मेगा स्पोरेंजिया, सो देयर आर सो मेनी ओव्यूल, एंड ओव्यूल की आउटर कवरिंग इंटेग्यूमेंट और ओव्यूल के टिश्यू न्यूसेलस, दीज आर न्यूसेलस। एंड नाउ द न्यूसेलस आर नथिंग बट इट इज, इट फॉलो द लीनियस। स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू, सो न्यूसेलस आर मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू, मेगा स्पोरो जीनस टिश्यू। इसका मतलब ये सारे मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू हैं। आप ध्यान सुनो, नाउ द मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू आर मेड अप ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल। बेटा भटक गए आप लोग, ये क्या है? मेगा स्पोरोफिल। ये क्या है? मेगा स्पोरेंजिया। इसके अंदर टिश्यू मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसकी हर एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल। इसका मतलब ये एन की टू एन और ये वाला और इसकी मेगा स्पोर मदर सेल भी, और उसमें क्या हुई? मियोसिस, जिससे बने चार मेगा स्पोर। और बताओ सारे मेगा स्पोर जो हैं वो हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। पूरा विश्वास है कि मुझे दोबारा करना पड़ेगा, आई विल डू इट अगेन, मैं करूंगा जरूर, चिंता मत करिएगा, मैं अकेले डायग्राम बना के आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, पहले एक बार में समझ लेते हैं। और इन चारों मेगा स्पोर में से हर स्पोर जर्मिनेट नहीं होगा, कोई एक स्पोर जर्मिनेट होगा, और रूल के अनुसार स्पोर जर्मिनेट विल फॉर्म गैमेटोफाइट। तो बता मेल गैमेटोफाइट की फीमेल, फीमेल तो मैं अगर ये बोलूं कि यहां पर एक फीमेल गैमेटोफाइट बनने जा रहा है, तो अब बताओ ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हार्ट शेप जैसा कुछ, तो बताओ ये क्या है? गैमेट की गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और कैसा गैमेटोफाइट है पता नहीं, मेल गैमेटोफाइट की फीमेल, फीमेल। और गैमेटोफाइट वो होते हैं जो क्या बनाते हैं? गैमेट। और गैमेट बनाने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितने प्रकार के? दो, मेल वाले एंड थ्रीडिया फीमेल वाले। तो बताओ इसके अंदर क्या मिलेंगी? मरने वाले हो तुम लोग, इसके अंदर क्या मिलेंगे? एंथ्रीडिया की आर्किगोनिया। सो देयर आर आर्किगोनिया, ये है आर्किगोनिया। मर गए तुम, यहां तक पहुंच पाओगे कि नहीं? आई डोंट नो, पहुंचना पड़ेगा। आर्किगोनिया का नंबर में भी टू मिनिमम एंड सो मैनी, दो से लेकर कुछ भी हो सकता है। आर्किगोनिया किसका? आर्किगोनिया। मैं कहां लिखूं? यही लिख दे रहा हूं, दे आर आर्किगोनिया। देखो कितने लोग हैं जो रास्ता भटक चुके, आंखें बंद करिए और अगर रास्ते में आ गए तो काम बन जाए। देखिएगा मत बोर्ड में, रूट मिल गई, स्टेम मिल गई, लीफ मिल गई, रूट स्टेम लीफ के बाद स्पोरोफिल मिल गई, माइक्रो नाम है कि मेगा, मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया मिल गए, मेगा स्पोरेंजिया एक मिले कि हर स्पोरोफिल में, हर स्पोर मेगा स्पोरेंजिया का दूसरा नाम ओव्यूल, ओव्यूल की कवरिंग मिल गई, नाम बताओ इंटेग्यूमेंट, उसका टिश्यू मिल गया, नाम बताओ न्यूसेलस, न्यूसेलस। और न्यूसेलस के टिश्यू का नाम मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू, उसकी सेल का नाम मेगा स्पोर मदर सेल। उनमें क्या हुआ? कितने बने? चार, चारों जर्मिनेट, कुछ जर्मिनेट हुए, एक जर्मिनेट मान लो हुआ, जो जर्मिनेट हुआ वो बाहर जर्मिनेट हुआ कि वहीं, वहीं जन्म। और इसका मतलब है क्या बना? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट दुनिया में क्या बनाने आया? गैमेट। और गैमेट बनाने वाले क्या रखते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया का नंबर दो से लेकर सो मैनी, मिनिमम कितनी? दो। और आर्किगोनिया के अंदर मिलेगा फीमेल गैमेट। तो भैया आर्किगोनिया के अंदर वी हैव फीमेल गैमेट, बोलो क्या मिलेगा बेटा? फीमेल गैमेट। अब कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं बताइए? मेल गैमेट कहां? पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेट कहां? ओव्यूल के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, आर्किगोनिया के अंदर। नहीं आया? तो बताओ ये जो पार्ट है जो हार्ट से बनाया मैंने, व्हाट इट इज?
फीमेल गैमिटोफाइट, और फीमेल गैमिटोफाइट में क्या प्रेजेंट है, बोलो क्या प्रेजेंट है, आर्की गोनिया। और आर्की गोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमिट, दैट इज नोन एज एग। आर्की गोनिया के अलावा बाकी पोर्शन ऑफ द फीमेल गैमिटोफाइट इज नोन एज एंडोस्पर्म। मरे तुम, हमें तो पूरा विश्वास है कि तुम्हारा मरना तय है, लेकिन मैं तुम्हें बचा के लाऊंगा। क्या नाम है, एंडोस्पर्म। अब बताओ जो मैं बोलूं उतना बताना, बताओ न्यूसलेस एन की 2N, 2N मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू 2N, अच्छा बताओ मेगा स्पोर मदर से, पर मियोसिस के बाद मेगा स्पोर एन की 2N एन, और उससे जर्मिनेट होने वाला फीमेल गैमेटोफाइट एन की 2N एन, इसका मतलब एंडोस्पर्म भी एन। क्यों, क्योंकि बेटा एंडोस्पर्म इज द पार्ट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट। तो फीमेल गैमिटोफाइट में कितनी चीजें हैं, दो, एक कौन आर्कीगोनिया और एक कौन एंडोस्पर्म। तो बताओ जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है फर्टिलाइजेशन के बाद बनता कि पहले, बाद, पहले। और ये बताओ डिप्लॉइड हैप्लॉइड की ट्रिप्लॉइड, जरा एंजियोस्पर्म में जाओ एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉइड, यहां पर कैसा हैप्लॉइड। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड सो मेनी टाइम, हजारों बार पूछा गया कि बताओ एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, बट फॉर द एंजियोस्पर्म इट इज ट्रिप्लॉइड। एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बताओ फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी बिल्कुल नहीं हुआ, अभी कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। पर अगर तुम लोग ये सिखा गए, अब देखना पूरा कंसंट्रेशन यहीं रखना, अगर ये पकड़ लिया तो काम बन जाएगा। बोलो ये क्या है, फिर लीव, लीव के बाद कौन सी, मेगा स्पोरो, उस पे मेगा स्पोरेंजिया, जिसका दूसरा नाम ओव्यूल, जिसकी आउटर कवरिंग इंटेग्यूमेंट, अंदर न्यूसलस, आल्सो नोन एज मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू एन की 2N 2N, उनमें क्या हुई मियोसिस, क्या बने मेगा स्पोर, उनमें से एक मेगा स्पोर जर्मिनेट हुआ, नाम बनाया फीमेल गैमिटोफाइट। मेगा स्पोर एन की 2N 2N की N N, मेगा स्पोर इज N, स्पोर इज ऑलवेज N, तो बताओ फीमेल गैमिटोफाइट इज N, और फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर क्या मिली आर्कीगोनिया N की 2N N, और बताओ एंडोस्पर्म इज N, और आर्कीगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट दैट इज एग, ये रहा मेल गैमेट, ये रहा फीमेल गैमेट, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि यहां से पॉलन ग्रेन निकले और हवा में उड़े, मैंने पहले ही बोला था पॉलन ग्रेन निकले और हवा में उड़े, और बताओ पॉलन ग्रेन गैमेट है कि गैमेटोफाइट, और ये जो हवा में पॉलन ग्रेन उड़े हैं ये पहुंचे यहां पर ओव्यूल के पास, और ओव्यूल में एक डिप्रेशन है, दिस डिप्रेशन इज नोन एज पॉलन चैम्बर। बोलो क्या नाम है, बुक में कुछ नहीं दिया है इसलिए मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूं, बस बताते जा रहा हूं। और बेटा यहां पहुंचा आपका पॉलन ग्रेन, क्या पहुंचा पॉलन, और पॉलन ग्रेन के पास कौन सा गैमेट, मेल, और बेटा आर्कीगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट। पॉलन ग्रेन का मेल कोन से फीमेल कोन तक पहुंचना इट इज नोन एज पॉलिनेशन। बोलो क्या नाम है ये, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, नो देयर इज नो एंथर हियर, देयर इज नो स्टिग्मा देयर, सो व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल कोन टू फीमेल। अब बताओ जो पॉलन ग्रेन यहां पहुंचा है मेरे बच्चों, जो पॉलन ग्रेन यहां पहुंचा है उस पॉलन ग्रेन के पास मेल गैमिट है कि नहीं है, है, तो वो खुद गैमिट है कि उसके अंदर गैमिट है, गैमिन है। अब उस गैमिट को वो फीमेल गैमिट तक कैसे पहुंचाए, ये रहे मेल गैमिट और ये रहा फीमेल गैमिट, अभी भी दूरी पड़ी है, इसका मतलब पॉलिनेशन कोई गारंटी नहीं है कि क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना यहां से एक ट्यूब बनेगा एंड दैट ट्यूब इज नोन एज पॉलन ट्यूब। बोलो कौन सा ट्यूब, और इस पॉलन ट्यूब से मेल गैमिट मूव करते हुए आर्कीगोनिया के अंदर पहुंचेगा, आर्कीगोनिया के अंदर पहुंचने के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। बोलो क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन जब होगा तो N और N मिलकर क्या बनाएंगे 2N। बोलो क्या बनाएंगे, और बताओ 2N कहां बनेगा, आर्कीगोनिया के अंदर, और आर्कीगोनिया के बाहर क्या है, एंडोस्पर्म। बोलो क्या है, तो बताओ एम्ब्रियो कैसा हो गया 2N,
और एंडोस्पर्म कैसा हुआ, एन, और बेटा ये जो न्यूसलस टिश्यू है दे आर टू एन, तीनों मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सीड, बोलो क्या नाम है, और ये पत्तियां गिर जाएंगी, पत्तियां कौन सी गिर जाएंगी, मेगा स्पोरोफिल, तो सीड बताओ कवर्ड कि अनकवर्ड, अनकवर्ड, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, नहीं आया, आया ही नहीं सर, एक बार और ट्राई करिए, एक बार और ट्राई कर देते हैं, हमें मालूम है ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जब आदमी देखता है तो बोलता है या तो तुम्हारा टीचर पागल है और या तो तुम पागल हो जो इसमें कुछ समझ पा रहे हो, या वाकई जब मैं ऐसे देखता हूं तो मुझे लगता है ऐसे कोई कैसे समझ सकता है। चलिए मैं इसका एक ट्राई और करता हूं आपके साथ, प्लीज मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि अब की बार मैं केवल फीमेल कोन बनाऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि तुम मेल कोन जानते हो। चलो पहले मेल कोन को रिवाइज कर लेते, बोलो ये क्या है, रूट स्टेम लीफ, रूट स्टेम लीफ के अलावा क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोफिल, बोलो क्या, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस, मियोसिस से क्या बना माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का नाम पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा क्या बनाएगा पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर का दूसरा नाम क्या होगा मेल गैमेटोफाइट, और जिसके अंदर क्या होंगे मेल गैमेट्स। तो बच्चों केवल इतना मान के चलो कि सर ने हमें एक मेल प्लांट पढ़ाया हुआ है, ये रहा वो मेल प्लांट, और उस मेल प्लांट के पास एक कोन था, सर ने हमें वो भी पढ़ाया हुआ कि सर उसके पास एक कोन था, और उस कोन में से हमें कुछ स्ट्रक्चर मिल चुके हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज पॉलन ग्रेन, बोलो क्या नाम है, पॉलन ग्रेन, कैसे हो चुके हैं वो मैं पढ़ा चुका हूं, और इस पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमीट, मेल गैमीट याद रखना, ये मेल गैमिट मोटाइल है, और पूरे प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा गैमिट साइकस में होता है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, द लार्जेस्ट गैमिट ऑफ द टोटल प्लांट किंगडम इट इज फ्रॉम साइकस, गैमिटोफाइट बोला कि गैमिट बोला, गैमिट, ओके, सो ये मेल गैमिट पॉलन ग्रेन है, और इस पॉलन ग्रेन का दूसरे का दूसरा नाम है मेल गैमिटोफाइट, ये हुआ मेल गैमिटोफाइट। This. अगर तुम इतना मान के चलते हो कि सर मेल पोर्शन हमें आ गया, तो मैं आपसे फीमेल पोर्शन बड़ा बनाने के लिए बोल रहा हूं, और मैं खुद बनाने जा रहा हूं। देखिए अब तुम्हें मालूम है क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आनी है, तो प्लीज मदद करिएगा, क्या आपको रूट दिख गई, यस, क्या आपको स्टेम दिख गया, यस, क्या आपको सर लीफ दिख गई, यस, तुमने देखा कि मैंने रूट स्टेम लीफ वाला पोर्शन छोटा बनाया है क्योंकि मुझे आगे बहुत ज्यादा जगह चाहिए, तो ठीक है मैंने माना ये है रूट, ये बेटा स्टेम हो गया, और ये हो गई लीफ। जब इतना आपने पढ़ लिया रूट स्टेम लीफ की बात, तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसमें फीमेल कोन, चलिए मेरे साथ बताइएगा, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर बड़ा चाहिए, ऑल्दो इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता है, मैं मान के चल रहा हूं ये है माइक्रोस्पोरोफिल, मिटाऊं उसके पहले मैं बता दे रहा हूं हर माइक्रोस्पोरोफिल के पास अपना अलग एक, सॉरी दीज आर मेगा स्पोरोफिल, और हर मेगा स्पोरोफिल के पास अपना अलग एक मेगा स्पोरेंजिया होता है, पर मैं यहां नहीं बना पाऊंगा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं दीज आर मेगा स्पोरोफिल, और बताओ मेगा स्पोरोफिल यहां पर अकेले हैं कि ग्रुप में, ग्रुप में है, और इस वजह से इस कोन का नाम बताओ क्या है, फीमेल कोन, और इस फीमेल कोन में वी हैव अ स्ट्रक्चर नोन एज मेगा स्पोरेंजिया, बोलो क्या नाम है ये, मेगा स्पोरेंजिया, थैंक यू वेरी मच, इट इज नोन एज मेगा स्पोरेंजिया, एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेगा स्पोरेंजिया, इट इज ओव्यूल। अब मैं जो जितना पूछूं उतना जवाब दो, इन मेगा स्पोरेंजिया की जो आउटर कवरिंग है लाइक दिस, मेगा स्पोरेंजिया यानी ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग है, दीज आर नोन एज इंटेग्यूमेंट, थैंक यू वेरी मच। आप क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ाने के बाद मिटा दिया है, तो देखिए आपके पास मेमोरी है, वरना अकेले में पढ़ा रहा होता बड़ा मुश्किल होता, इंटेग्यूमेंट, और बताइए ये जो टिश्यूज हैं दीज आर नोन एज न्यूसलस,
बताइए अभी तक सारे स्ट्रक्चर एन है कि टू एन है? टू एन। अच्छा बताओ तो न्यूसलस के अंदर कौन से टिश्यू? मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, और मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगी? मियोसिस, और क्या बनेगा? मेगा स्पोर। बोलो क्या बनेगा? तो और मेगा स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट। तो मान लीजिए ये है वो मेगा स्पोर, दिस इज अ मेगा स्पोर। अगर किसी को दिक्कत आ जाए तो बता दे मुझे मेगा स्पोर एन है कि टू एन है? एन, क्योंकि माइटोसिस से बना है कि मियोसिस से? माइटोसिस से कि मियोसिस से? मियोसिस। और इस मेगा स्पोर को जर्मिनेट करके क्या बनाना है? फीमेल गैमिटोफाइट। बोलो क्या बनाना है? तो आपके सामने जो नजर आ रहा है वो ये था ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर, और मेगा स्पोर इटसेल्फ इज फीमेल गैमिटोफाइट व्हेन इट जर्मिनेट। तो बताओ फीमेल गैमिटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। बताओ पौधा कैसा है? भूल गए, पौधा कैसा है? स्पोरोफाइट। दे आर एन और टू एन? टू एन। और इसके अंदर फीमेल गैमिटोफाइट कैसा है? एन की टू एन? एन। तो बताओ कौन किस पे डिपेंडेंट है? फीमेल गैमिटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। इसकी शुरुआत कहां हुई थी? टेरिडोफाइटा में। कब? हेटरोस्पोरी में, जब वो क्या कर रहे थे? सीड हैबिट। व्हाट माय पॉइंट? एंड नाउ इफ दिस इज अ मेगा स्पोरो मेगा स्पोर एंड इट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के पास एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, नाम बताओ? आर्किगोनिया। बोलो क्या नाम है? तो बताओ ये जो आर्किगोनिया होंगी इनका नंबर कितना होगा? आपको मालूम है, मैं यहां लिख दे रहा हूं आर्किगोनिया, मेरे पास जगह कम है, तो आर्किगोनिया का नंबर टू टू मैनी, ये बुक में लिखा, मैं अभी पढ़ा दूंगा। और ये जो आर्किगोनिया है, याद रखना आर्किगोनिया के अंदर है एग, एंड दिस इज फीमेल गैमेट। माय गुडनेस, जब तक आपको ये आ नहीं जाता मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं, मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा। बताओ स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरोफिल, स्पोरोफाइट के ऊपर माइक्रो की मेगा? मेगा। मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया, बोलो क्या नाम? ऑल्सो नोन एज ओव्यूल, जिसकी आउटर कवरिंग इंटेग्यूमेंट, अंदर टिश्यू न्यूसलस, जिस टिश्यू का नाम मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, एन की टू एन? टू एन। जिनमें क्या हुई? मियोसिस। क्या बना? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर जर्मिनेट हुआ, क्या बनाया? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट हैव आर्किगोनिया नंबर टू टू मैनी, और उन आर्किगोनिया के अंदर क्या मिला? एग। एग इज फीमेल गैमेट। तो बताओ ये गैमीट है मेल की फीमेल? फीमेल। और ये गैमेटोफाइट है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है, दिस फुल। तो बताओ आर्किगोनिया के अलावा भी क्या कुछ तुम देख रहे हो गैमेटोफाइट में? यस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इट इज नोन एज एंडोस्पर्म। और अगर ये एंडोस्पर्म है बच्चा, तो बताओ ये एन है कि टू एन? एन। और बताओ एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म होते हैं हैप्लॉइड की डिप्लॉइड के? डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ फीमेल। तो फीमेल गैमेटोफाइट में कितनी चीजें हैं? दो, एक कौन? आर्किगोनिया, और एक कौन? एंडोस्पर्म। मेरे साथ बोलो, एक कौन? आर्किगोनिया, और एक कौन? एंडोस्पर्म। आर्किगोनिया के अंदर एग और एंडोस्पर्म इटसेल्फ, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, और बिफोर फर्टिलाइजेशन की आफ्टर फर्टिलाइजेशन? बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब एंडोस्पर्म यहां जो बना है वो फर्टिलाइजेशन के बाद की, पहले से, पहले से। आप बताओ यहां से पॉलन ग्रेन उड़ा, ये रहा वो पॉलन ग्रेन, और इस पॉलन ग्रेन के पास है फीमेल गैमेट की मेल गैमेट, मेल गैमेट, और ये पॉलन ग्रेन पहुंचा इस पॉलन चैम्बर में, ये आया पॉलन ग्रेन। यहां तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन। वैसे हम लोग रट्टा मारते हैं पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म में, मूवमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहां एंथर स्टिग्मा। तो बताओ मेल कोन से फीमेल कोन तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना, इट इज पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन हो गया तो ये आया पॉलन, और अगर ये पॉलन आया तो ये रहा फीमेल मेल गैमीट, और ये रहा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पास पास के दूर 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 दूर। अब बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा?
पॉलन ट्यूब, बोलो क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब। और जैसे ही पॉलन ट्यूब बनेगा, इस पॉलन ट्यूब के सहारे कौन नीचे उतरने लगेगा, मेल गैमेट। और मेल गैमेट एक दिन कहां पहुंचेगा, फीमेल गैमेट, आर्किगोनिया को रप्चर करेगा, किसको, आर्किगो, और यहां पर क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन, बोलो क्या करेगा। तो बताओ ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड में क्या बनेगा, जायगोट, बोलो, और जायगोट में माइटोसिस की मियोसिस, माइटोसिस, क्योंकि हर जायगोट अगर एम्ब्रियो बनाने जा रहा तो क्या बनाएगा, माइटोसिस, और इस जायगोट से बन जाएगा, बोलो क्या, एम्ब्रियो। अब जितने बच्चे हैं अगर वो सीख गए होंगे तो मुझे बताएंगे, बताओ ये जायगोट से बन गया एम्ब्रियो, बोलो क्या बन गया, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या है, एंडोस्पर्म, बोलो क्या है, तो बताओ एम्ब्रियो कैसा, एनकिटुयन, मेरे साथ बोलो एम्ब्रियो कैसा, 2N, और एंडोस्पर्म कैसा, N, N, और उसके चारों तरफ ओव्यूल, उसके चारों तरफ, तो बताओ क्या ये ओव्यूल पूरी तरीके से सीड में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ सीड के अंदर क्या क्या, न्यूसेलस का रिमेनिंग पार्ट अगर बचा हुआ, और क्या, एंडोस्पर्म जो कैसा है, हैप्लॉइड, और उसके अंदर एम्ब्रियो, और बताओ ये पत्तियां बची कि गिर गई, गिर गई, और ये जो पत्तियां हैं इनका नाम क्या था, बताओ क्या नाम था, स्पोरोफिल, और अगर स्पोरोफिल गिर गई तो बताओ ओव्यूल, कवर्ड की अनकवर्ड, अनकवर्ड, एंड दिस ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, और बताओ ये जो सीड है ये कवर्ड रहा कि अनकवर्ड, अनकवर्ड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। Have you got my point? क्या आपको कुछ समझ में आया, अभी भी नहीं आया तो आप पाइनस को एक बार ट्राई करिए मेरे साथ। ये तो साइकस था, अब मैं पाइनस को ट्राई करवाता हूं, अगर आप बता ले जाओगे तो काम बन जाएगा। चलिए मैं मान के चलता हूं कि पॉलन ग्रेन को मैंने पना दिया है, इसके बाद एक और आखिरी बार रिविजन कर रहा हूं। बताओ किसी भी स्पोरोफाइट में क्या मिलेगा, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर मिलेगा कि नहीं, नहीं, माइक्रो स्पोरोफिल की मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल की हर जगह पर एक स्पोरंजी, नाम बताओ, मेगा स्पोर, मैंने सब जगह की एक बनाई है कि केवल एक, एक क्यों बनाई, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, मेगा स्पोरंजी, और मेगा स्पोरंजिया का दूसरा नाम ओव्यूल। मैं जरा देखना चाहता हूं आपको कितना आया, अगर बोर्ड में कुछ ना हो और आप बता दो तो आ गया, टेक योर 3 मिनट्स, अपने 3 मिनट देखिए, ये मेल साइकस है, फीमेल साइकस, बोलो रूट है, स्टेम है, लीफ है, रूट स्टेम लीफ, ठीक है, यहाँ माइक्रो स्पोरोफिल, यहाँ पर माइक्रो स्पोरोफिल का ग्रुप मेल कोन, क्या, वेरी गुड शाबाश, यहाँ तक तो आ गया यार गुरु, मेल कोन फीमेल कोन हो गया, बताओ इनके अंदर माइक्रो स्पोरेंजिया, बोलो क्या, इसके अंदर मेगा स्पोरेंजिया, दूसरा नाम ओव्यूल, पक्का, माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रो स्पोरेंजिया की आउटर कवरिंग इंटेगमेंट, और बेटा न्यूसलस, न्यूसलस इज मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, दिस इज माइक्रो स्पोरोजिनस, दिस इज मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, मियोसिस हुई, यस और नो, क्या बने, माइक्रो स्पोर, क्या बने, मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर जर्मिनेट हुए, क्या नाम रखा गया, पॉलन ग्रेन, मेगा स्पोर जर्मिनेट हुए, यस, क्या नाम हुआ, फीमेल गैमिटोफाइट, इसका नाम मेल गैमिटोफाइट, इसका नाम, बताओ मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में गैमेट्स हैं, यस, पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट, और बताओ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया, 2-2 मैनी, उसके अंदर एग, बताओ फीमेल गैमेटोफाइट का रेस्ट पार्ट एंडोस्पर्म, क्या नाम है, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, बताओ पॉलन ग्रेन मूव किया, पॉलन ग्रेन जैसे ही मूव किया तो बताओ इस प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन, बेटा मैं क्लास में हूं ना, हाँ बोलो मैडम, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा मैं क्लास में हूं, फिर मैं बाद में बात करता हूं, तो आप लोगों ने देखा कि फिर क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद मेगा बेटा पॉलन ग्रेन पहुंचा, और पॉलन ग्रेन जैसे पहुंचा उसके बाद उसमें क्या बना, पॉलन ट्यूब, मेल गैमेट नीचे आया, आर्किगोनिया तक पहुंचा, आर्किगोनिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना, जायगोट, इससे क्या बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहां बना, आर्किगोनिया, उसके बाहर क्या था, एंडोस्पर्म, तो सबसे अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाहर एंडोस्पर्म, और उसके बाद ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, बताओ सीड में क्या मिला,
बाहर की कवरिंग दैट इज इंटेगमेंट, और क्या मिला एंडोस्पर्म, और क्या मिला एम्ब्रियो, बताओ ये एम्ब्रियो तुरंत जर्मिनेट नहीं होगा, क्या ये सीड रहेगा बताओ, ये कवर्ड की अनकवर्ड, अनकवर्ड, और अनकवर्ड होने की वजह से इसका नाम जिम्नोस्पर्म। क्या इसे हम लोग ग्राउंड में डालें? यस, सीड को ग्राउंड में डालो तो क्या एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाएगा, क्या निकलेगी रूट स्टेम। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो प्लीज गिव वन चांस फॉर पाइनस ऑल्सो, पाइनस के लिए। वैसे ये सब दोबारा रिपीटिशन ही है और कुछ नहीं है, पर मेरा हो, मेरा कहना हो जाएगा और आपका करना हो जाएगा। बताइए पाइनस के बारे में बोलिए, दे हैव रूट यस और नो? यस। दे हैव स्टेम? यस। दे आर द ब्रांच और अनब्रांच स्टेम? पता नहीं, ब्रांच स्टेम। पाइनस हैव द ब्रांच स्टेम, तो दे हैव द ब्रांच एंड अनब्रांच स्टेम, दे आर ब्रांच स्टेम, सो दे आर रूट, दे आर द हैविंग रूट, हैविंग स्टेम। एंड मैं लीफ नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं लीफ नीडल लाइक बनाऊंगा और आप मामला बिगड़ जाएगा, मैं केवल यहां पर आपके सामने स्पोरोफिल बना रहा हूं। बताइए क्या यहां पर मेल कोन हो सकता है? यस, मेल कोन इज मेड अप ऑफ माइक्रो स्पोरोफिल, मेल कोन, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रो स्पोरोफिल, और यहां पर माइक्रोस्पोरोफिल के ग्रुप का के ऊपर यहां पर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी तरीके से यहां पर फीमेल कोन भी होगा, मैं बार बार वो हटा के क्या बनाऊंगा आप मुझे बता दो, इफ दे आर द मेगा स्पोरोफिल, और यहां पर मेगा स्पोरोफिल के ग्रुप का नाम होगा फीमेल कोन, और मेगा स्पोरोफिल के अंदर ओव्यूल होगा लाइक दिस, इट इज नोन एज मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया का दूसरा नाम ओव्यूल। आगे की कहानी आप मुझे खुद सिखाएं क्योंकि ये प्रैक्टिस काम आपका है। चलिए, अगर बंदा स्पोरोफाइट है और उसमें माइक्रो स्पोरोफिल मतलब मेल कोन और फीमेल कोन एक ही बॉडी में है, जहां मेल कोन उसी प्लांट में फीमेल कोन, मेल कोन फीमेल कोन अगर एक ही बॉडी में है तो कंडीशन इज बाईसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल की बाईसेक्सुअल, और दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज मोनोईसियस। तो बताओ साइकस और पाइनस का पहला अंतर, साइकस वॉज डाइसियस एंड पाइनस इज मोनोईसियस। ओके, सो आपने देखा कि यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया है। आगे की कहानी आप बताओ, माइक्रोस्पोरेंजिया के टिश्यू का नाम माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू की सेल का नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस क्या बने माइक्रोस्पोर्स, एंड दीज माइक्रोस्पोर्स आर नथिंग, दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन। देखिए वही सारी चीजें जो मैंने वहां पढ़ाई थी यहां पर पढ़ाई, पॉलन ग्रेन्स। ओके, नाउ द पॉलन ग्रेन्स, नाउ द पॉलन ग्रेन्स दे आर ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और हम सबको मालूम होना चाहिए किसी भी एक मेल गैमेटोफाइट के अंदर देखोगे तो एटलीस्ट एक मेल गैमेट तो मिलेगा। नंबर ऑफ गैमेट में वेरी डिपेंड अपॉन साइकस एंड पाइनस, लेकिन हम इतना मालूम है कि यहां गैमेट तो मिलेगा ही। आगे की कहानी तुम मुझे बता दो, मैं लिखूंगा नहीं, बताओ क्या ये आउटर इंटेगमेंट है? अंदर के टिश्यू का नाम न्यूसलस, न्यूसलस इज मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, माइटोसिस की मियोसिस, मियोस कितने मेगा स्पोर, चार, एक जर्मिनेट हुआ उसका नाम बताओ फीमेल गैमेटोफाइट, आप लिख सकते हो इट इज अ सर मेगा स्पोर, मेगा स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, आप लिख सकते हैं इट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ फीमेल गैमेटोफाइट में होंगी आर्किगोनिया, लेट सपोज दिस इज आर्किगोनिया,
सो आर्किगोनिया के बाद बचा हुआ जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट इज एंडोस्पर्म। और आपको मालूम है आर्किगोनिया के अंदर होंगे एग्स, क्या होंगे एग्स। अब बताओ क्या होगा, पॉलन ग्रेन हवा में उड़ेंगे। कई बार पॉलन ग्रेन इतना ज्यादा उड़ते हैं कि पाइनस के केस में इन पॉलन ग्रेन का नंबर इतना ज्यादा होता कि आसमान पीला पड़ जाता है, और कंडीशन को बोलते हैं सल्फर सावर, सल्फर शॉवर। इतना ज्यादा पॉलन ग्रेन निकलते हैं, इतने ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं पॉलन ग्रेन की नोन है सल्फर शॉवर। और इस तरीके के सल्फर शॉवर से पॉलन ग्रेन कहां पहुंचेंगे, बताओ कहां पहुंचेंगे, मेल कोन से फीमेल कोन, प्रोसेस का नाम पॉलिनेसिस। और एक बार बेटा पॉलन चैम्बर पे पहुंचा बेटा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट ने फिर क्या बनाया पॉलन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन हुआ, बताओ क्या बना जायगोट, वेरी गुड। जायगोट से क्या बना एम्ब्रियो, अच्छा एम्ब्रियो जब बना तो उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट था एंडोस्पर्म, बताओ एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बना कि पहले, पहले बताओ, ये बंदा एन की टू एन, टू एन लेकिन एंडोस्पर्म एन, और उसके बाद ओव्यूल, दिस ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड, और जो स्पोरोफिल थी वो बची रह गई, गिर गई। अब बताओ सीड इज कवर्ड और अनकवर्ड, अनकवर्ड, और अनकवर्ड सीड की वजह से कंडीशन का नाम जिम्नोस्पर्म। सो दिस वाज द जिम्नोस्पर्म इन टोटल। आपकी बुक की एक एक लाइन में पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपको ये चीजें मुश्किल समझ में आती हैं, तो मैं इसे मिटाता हूं और आप इसको समझ लीजिए। तो साइकस और पाइनस कुछ डिफरेंट नहीं है, लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट सेम है, बस अंतर ये एक मोनोइसियस और एक डाइसियस। कौन है डाइसियस, साइकस की पाइनस, साइकस, और कौन है मोनोइसियस, पाइनस। किसमें मेल और फीमेल कौन अलग अलग प्लांट में, साइकस। किसमें मेल और फीमेल कौन एक ही प्लांट में, पाइनस। अगर आप इतनी सारी चीजें सीख गए हैं तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए और आगे बढ़िए। आगे देखते हैं बेटा इनके क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म को फाइनली दो बड़े क्लासेस में बांटा गया है। They are classified into two main classes. One is known as cycadophyta. जिसके मेंबर का नाम है साइकस, और दूसरा ग्रुप है कोनीफेरोफाइटा, या फिर इन्हें कोनीफर्स बोलते हैं, कोनीफेरोफाइटा। और भी ग्रुप हो सकते हैं माइनर, लेकिन लार्जर दो ही ग्रुप है, कोनीफेरोफाइटा आल्सो नोन एज कॉनिफर्स। इनमें एग्जांपल है पाइनस एंड सेड्रस। ओके, सो हेयर इज एनसीईआरटी। यहां पर आपके सामने एनसीईआरटी आ रही है, ओपन हो रही है, मैं आपको जिम्नोस्पर्म के पोर्शन को पढ़ाता हूं। अगर कोई भी पॉइंट, कल भी मैंने पढ़ाया था, अगर कोई भी पॉइंट आपको दिक्कत लगे कहीं पर भी, ये एनसीईआरटी है मेरे पास, आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखिए। एक भी लाइन, वैसे मैं कल ये पढ़ा चुका हूं, दोबारा रीड कर रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि जिम्नोस्पर्म की सर एक लाइन बची रह गई थी। चलो, द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाई एनी ओवरी। बताओ इनमें ओवरी होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। And remain exposed both before and after fertilization. The seed that develop post fertilization are not covered. That is are naked. इसका मतलब जिम्नोस्पर्म का मतलब है सीड विथ
फ्रूट और विदाउट फ्रूट, विदाउट फ्रूट। मैं बार बार बोल रहा हूं, एंजियोस्पर्म में एक सुविधा है कि सीड को कवर कर लिया है किसने, फ्रूट ने। आम खाते हो, आम के अंदर गुटली, गुटली के अंदर सीड, बताओ सीड कवर्ड है कि अनकवर्ड? कवर्ड, क्योंकि चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, फ्रूट। इनके पास फ्रूट नहीं होते, केवल क्या होते हैं, सीड। नाउ जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री एंड श्रब्स। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री, नाम है सिकोइया, कल पढ़ा चुका हूं मैं। सिकोइया इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, इसे रेडवुड ट्री बोलते हैं, देवदार का वृक्ष है, दुनिया का सबसे बड़ा, लगभग 130 मीटर लंबा, 130 meters, नॉट इन फिट। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, रूट इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन। बताओ माइकोराइजा किसमें था, पाइनस, बताया था मैंने। और बताओ साइकस में कौन सी रूट थी, कोलोराइड रूट, बोलो कौन, कोलोराइड। बताओ कोलोराइड रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यस। आगे चलो साइकस, अब बताओ स्टेम देखो, द स्टेम आर अनब्रांच, अनब्रांच स्टेम किसमें थे, साइकस, ब्रांच स्टेम किसमें थे, पाइनस एंड सेड्रस, आज भी बनाया मैंने, साइकस के कैसे थे अनब्रांच, पाइनस के ब्रांच। आगे चलो, द साइकस हैव द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर द फ्यू ईयर, दे मे हैव सिंपल एंड कंपाउंड। द लीव इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। और मैंने बोला था पाइनस के पास पतली पत्तियां भी होती है, नाम बताओ, निडल्स। तो इन कोनीफर, कोनीफर आल्सो नोन एज पाइनस, दे हैव निडल लाइक लीफ, याद है आपको, रिड्यूस द सरफेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमेटा आल्सो रिड्यूस वाटर लॉस। कोई भी एक लाइन कि सर एनसीईआरटी की ये लाइन समझ में नहीं है, क्या पाइनस के पास कुछ पत्तियां निडल जैसी होती हैं? यस, और निडिल जैसी पत्तियां होने का मतलब है इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कि बहुत कम, बहुत कम, और स्टोमेटा भी संकेन। तो बताओ ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा कि कम, कम, तो वाटर लॉस कम। ओके, आगे की लाइनें आप देख लीजिए, आगे ऐसा ना हो कि कोई लाइन आपको लगे कि सर नहीं समझ में आई, मैं दिखाता जाता हूं। द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, बताओ कितने प्रकार के स्पोर, दो, एक कौन माइक्रोस्पोर, दूसरा कौन मेगा स्पोर, इसीलिए कितने प्रकार की स्पोरेंजिया, दो, एक कौन माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा मेगा स्पोर, इसी प्रकार से दो प्रकार के लीफ, नाम बताओ माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोर, और इसीलिए दो प्रकार के कोन, एक कोन मेल कोन और एक कोन फीमेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल वाले मेल कोन और मेगास्पोरोफिल वाले फीमेल। यू गॉट माय पॉइंट, जिम्नोस्पर्म और हेट्रोस्पोरस दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो बताओ स्पोर इज ऑलवेज हैप्लॉइड, आगे सुनो, why they are a haploid, they always made by meiosis, भूल गए, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल में meiosis will form spore, okay, the two kind of spore are produced within sporangia that are born on sporophyll, मेरी बात मान रहे, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरेंजियस टिश्यू में स्पोर मदर सेल, उनमें मियोस, उनमें स्पोर, स्पोर का नाम माइक्रोस्पोर, इसलिए इसे स्पोरोफिल का नाम माइक्रोस्पोरोफिल। मेरे साथ बोलो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोर, व्हाट इट, व्हिच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग द एक्सिस फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिलाई आल्सो नोन एज कोन्स। अगर सारी स्पोरोफिल बेटा कॉम्पैक्ट है तो बोलो कोन या फिर स्ट्रॉबिलाई, और लूज है तो लैक्स। द स्ट्रॉबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबिलाई। मेल कोन में कौन था, माइक्रोस्पोरोफिल। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इन टू मेल गैमिटोफिटिक जनरेशन, मैंने बोला था जो स्पोर बनेगा वो जर्मिनेट होगा, यस, और क्या बनाएगा, मेल गैमिटोफाइट विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड ओनली टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, दिस रिड्यूस्ड गैमिटोफाइट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। मैंने बोला था माइक्रोस्पोर बने, फिर से माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बने, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट किए, क्या बनाए, मेल गैमिटोफाइट, दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया,
द कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल, अब ये दूसरी कहानी हो गई, कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल, आगे कहानी तुम बताओ, मेगा स्पोरोफिल में, मेगा स्पोरेंजिया में, मेगा स्पोर मदर सेल में, मियोसिस में, मेगा स्पोर विल जर्मिनेट इनटू फीमेल गैमेटोफाइट दैट विल हैव आर्किगोनिया, देयर नंबर विल बी 2 to 2 मोर, देखें ये मिलता है कि नहीं मिलता, जो तुमने बोला देखें भाई मिलता है कि नहीं, अगर नहीं मिला तो हम लोग गलत, अगर मिल जाए तो इसका मतलब हमने सही पढ़ा। अभी देखो, मेगा स्पोरो स्पोरेंजिया विथ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजिया, देखो मिल गया लाइन, अदर नेम ऑफ ओव्यूल इज मेगा स्पोरेंजिया, लड़ाई मत लड़ना, आर कॉल्ड एज मैक्रो स्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई, बताओ किसका ग्रुप है, मेगा स्पोरोफिल के ग्रुप का नाम फीमेल स्ट्रोबिलाई, द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बॉर्न ऑन द सेम ट्री, बताओ कौन, पाइनस, हाउवर इन साइकस मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री, द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसलस, उसका मतलब न्यूसलस इज मेगा स्पोर जीनस टिश्यू, जिसकी सेल का नाम मेगा स्पोर मदर सेल, द न्यूसलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड दैट इज कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल, बताओ एनवेलप का नाम मैंने क्या बताया था, इंटेग्यूमेंट, भूल गए, एनवेलप का नाम और इंटेग्यूमेंट के अंदर न्यूसलस और दोनों को मिलाकर ओव्यूल, द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन, आ गया, तो बताओ ओव्यूल किसके चारों तरफ, के चारों तरफ क्या है, मेगा स्पोरोफिल और इस पूरे ग्रुप का नाम फीमेल कोन, अब बताओ मेगा स्पोर मदर सेल यानी ओव्यूल के अंदर न्यूसलस और न्यूसलस की मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर, मैंने भी 4 बनाए थे, वन ऑफ द मेगा स्पोर इनक्लोज विद इन द मेगा स्पोरेसियम, चारों की कोई एक एंड डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 or more आर्किगोनिया, तो बताओ ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर, मेगा स्पोर के अंदर आर्किगोनिया और आर्किगोनिया ही क्या है फीमेल गैमेटोफाइट, एंड नाउ फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया, सॉरी That spore is known as female gametophyte. और female gametophyte के अंदर क्या है? Archegonia, जिनका number कितना है? 2 to 2 more. And the archegonia or female sex organ, the multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangia. मैंने तुम्हें करके दिखाया था sporophyte के ऊपर mega sporophyll के अंदर mega sporangia के अंदर mega sporogenous tissue that is nucleus. उसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस, उससे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया, इसका मतलब फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, ओके आगे चलो अनलाइक द ब्रायोफाइट, बोल ले अनलाइक द ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, In the gymnosperm, male and female gametophyte do not have independent free living existence. बताओ, bryophyta की main plant body, gametophyte. Yes or no? और बताओ, pteridophyta की main plant body, sporophyte थी, लेकिन क्या उसमें prothallus gametophyte बना था? Yes. और दोनों का gametophyte, dependent की independent? Independent. Bryophyta का gametophyte, independent. Pteridophyta का gametophyte, independent. लेकिन यहां जो बेटा गैमेटोफाइट बने उनका नाम पॉलन ग्रेन, बोलो क्या नाम है, बताओ डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और फीमेल गैमेटोफाइट भी किसमें डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट, आगे सुनो, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, बोले स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर गैमेटोफाइट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे चलो, The pollen grain is released from the microsporangium. They carried in air current and come in contact with the opening of ovule born on megasporophyll. बताओ किस प्रोसेस का नाम बता रहे? Pollination. Movement of pollen grain from? Megasporophyll.
मेल कोन टू फीमेल कोन, द पॉलन ट्यूब. अब जब पॉलिनेशन हो गया तो उसके बाद क्या बना, पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रो टुवर्ड द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज दियर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोना फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन. क्या बना, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगो दैट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल इनटू सी. मैंने बोला था फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना था, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के चारों तरफ एंडोस्पर्म और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में. दीज सीड्स आर नॉट एक एक लाइन एनसीईआरटी की करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आप देख लो. इसके बाद क्या चालू हो गया, एनजीओस्कोप. इसका मतलब हम लोग राइट वे में हैं, सही रास्ते में चल रहे हैं. इसका मतलब यही है कि हम लोगों ने सही रास्ते से पढ़ा है. और बताओ जिम्नोस्पर्म की कितनी क्लासेस, दो. एक कौन, साइकेडोफाइटा जिनका एग्जाम्पल साइकस, और दूसरा कौन, कोनीफेरोफाइटा कोनीफर जिनका नाम है पाइनस और सेड्रस. अगर आप इतना सीख गए हैं और फिर भी नहीं आ रहा है तो अब आप मूर्ख हैं या फिर मेरे पढ़ाने में गलती. एक ही रूल लेके चल रहा हूं. जब स्पोरोफाइट मिले तो क्या ढूंढोगे, स्पोरोफिल. स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू में स्पोर मदर्स, मियोसिस, स्पोर, जर्मिनेट, गैमिटोफाइट, गैमिट, फर्टिलाइजेशन, जायगोट, एम्ब्रियो, जर्मिनेट, स्पोर. So, अगर आपको ये लग रहा है कि नोट्स नहीं बन रहे तो वीडियो को बार बार आप देखिए. इस वीडियो को देख करके अपने नोट्स क्रिएट करिए, एनसीईआरटी की लाइन को अंडरलाइन करिए, जो लाइन ना समझ में आए मुझे भेजिए. माय नंबर इज दिस, इट इज 9319055284. इस नंबर पे कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो बता दीजिए, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि सर ये लाइन नहीं समझ में आ रही. जो भी लाइन समझ में ना आए आप मुझे बताइए. ओके, अब एक जनरल बात जो एनसीईआरटी में लिखी तो बहुत है लेकिन हम पकड़ नहीं पाते, और जब हम पकड़ नहीं पाते तो जो उससे आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बड़ी मुश्किल कर देते हैं, एंड दैट इज अबाउट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. तो चलिए एंजियोस्पर्म पढ़ने के पहले एक जनरलाइजेशन, एक जनरल पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं. तो चलिए, हमने देखा कि प्लांट पांच तरीके के हैं. यस, इनमें से एक है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, इसके बाद है जिम्नोस्पर्म, और बाद में है एंजियोस्पर्म. ये लोअर है और ये हायर है. तो जैसे जैसे प्लांट किंगडम में आप लोअर से हायर ग्रुप की तरफ बढ़ोगे तो क्या क्या चीजें मिलेंगी. यस, एल्गी इज हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइटा इज डिप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी, जिम्नो इज डिप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी, एंजियोस्पर्म इज ऑल्सो डिप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है. अब एल्गी की खास बात है, इनमें केवल गैमेटोफाइट होता है, दे ओनली हैव गैमेटोफाइट नो स्पोरोफाइट. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाई दे डू नॉट हैव स्पोरोफाइट, बिकॉज दे आर जायगोट कॉज मियोसिस. जायगोट जो होता है उसमें हो जाती है मियोसिस, अगर जायगोट में मियोसिस हो गई तो देर इज नो एम्ब्रियो, और अगर दुनिया में एम्ब्रियो ही नहीं है तो स्पोरोफाइट भी नहीं. फिर से, अगर दुनिया में एम्ब्रियो नहीं है तो स्पोरोफाइट नहीं है. इसका मतलब एल्गी केवल कैसे है, गैमेटोफाइट. ब्रायोफाइटा मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, एंड द गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, बट इस गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल. सो आप लिखेंगे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट. यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों हैं, लेकिन कौन किस पे डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट. नाउ अब आया टेरिडोफाइटा,
बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और जब बात आई जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जरा ध्यान सुन लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की जब बात आई तो गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड हो गया, नाम हो गया पॉलन ग्रेन। क्या नाम हो गया? पॉलन ग्रेन जैसी औकात हो गई गैमेटोफाइट की। और गैमेटोफाइट अलग से रह नहीं पाएगा, इसका मतलब उल्टा हो गया। इन दोनों ही केसेस में गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। जरा ब्रायोफाइटा को देखिए क्या लिखा है, स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। जरा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को देखिए, गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा से जस्ट उल्टा कौन है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मतलब ब्रायोफाइटा में क्या है? स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। सो अगर कभी पूछा जाए इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट कहां कहां मिलेगा, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, जितने लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, मेरा ये चार्ट बनाना ठीक हुआ। बताओ इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट कहां कहां मिलेगा? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट। नहीं आया? एल्गी में तो केवल गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। कौन डिपेंडेंट है? स्पोरोफाइट। और यहां दोनों इंडिपेंडेंट है। तो बताओ इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट कहां कहां मिलेगा? एल्गी में, ब्रायो में और टेरिडो में। एंड डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट इट इज इन जिम्नो एंड एंजियो। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में इस कॉन्सेप्ट से जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप खुद ही घबरा जाओगे। बताओ एल्गा में केवल गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट भी, स्पोरोफाइट भी, लेकिन स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा में भी दोनों, बोथ आर इंडिपेंडेंट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी दोनों, लेकिन गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। अच्छा अब एक रूल बताओ, जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते हैं, किसका किसकी दादागिरी बढ़ती जाती है? पता ही नहीं। एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ने पर स्पोरोफाइट मजबूत होता जाता है और गैमेटोफाइट रिड्यूस। सो एज वी मूव फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ मूव करेंगे, गैमेटोफाइट गेट रिड्यूस्ड। और ये बात आसान नहीं है, एक बार में हल्ला मचा देने से कुछ नहीं होगा। देख लो एल्गी बहुत छोटा ग्रुप है, उसमें केवल कौन है? इतनी दादागिरी है गैमेटोफाइट की, केवल गैमेटोफाइट। आगे बढ़े तो कौन आ गया? लेकिन अभी भी किसकी दादागिरी है? आगे बढ़े दोनों बराबर हो गए,
हेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों बराबर, लेकिन स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी में चला गया, किसमें चला गया, मेन प्लांट, इसका मतलब स्पोरोफाइट मजबूत होने लगा और आगे बढ़े तो सब चमत्कार किसका, स्पोरोफाइट, और गैमेटोफाइट बेचारे कितने मिले, पॉलन ग्रेन जैसे। तो जैसे जैसे तुम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाओगे, किसकी दादागिरी खत्म होती जाएगी, गैमेटोफाइट, और किसकी बढ़ती जाएगी, स्पोरोफाइट, जिसको सिंपल टर्म में लिखा है एज वी मूव फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट गेट रिड्यूस। तो बताओ मोस्ट रिड्यूस गैमेटोफाइट कहां होगा, एंड दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2016, 2016 का क्वेश्चन, और कैसे पूछा गया था, मोस्ट रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, चार ऑप्शन थे, साइकस, पाइनस, फर्न, पी, बोलो वाई पी, पी इज द एंजियोस्पर्म। लोग बोले सर ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, सर आपने पढ़ाया नहीं आउट ऑफ कोर्स, अरे गधे हो तो बताओ, साइकस इज जिम्नोस्पर्म, पाइनस इज जिम्नोस्पर्म, फर्न इज टेरिडोफाइटा, पी इज एंजियोस्पर्म। तो पूछा था हाईली रिड्यूस मोस्ट, मतलब हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट इज फाउंड इन पी, तो बोले ये डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट, लेकिन पूछ क्या रहे थे, जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे किसकी दादागिरी बढ़ेगी और किसकी कम होगी, तो बताओ गैमेटोफाइट का हो जाएगा मजबूत की रिड्यूस, रिड्यूस, और कौन मजबूत होता जाएगा, स्पोरोफाइट। क्या ऐसे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि यार आपको कुछ समझ में आया। तो आप मेरे साथ एक बार चिल्ला लो, समझ लो, एल्गी केवल कौन, गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटो, टेरिडोफाइटा में बोथ आर इनडिपेंडेंट, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। तो अगर कभी किसी को नहीं आ रहा कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट कहां कहां मिलेगा, रट्टा मार लो, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, और इंडिपेंडेंट कहां नहीं मिलेगा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आखिरी लाइन, एज वी मूव फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, कौन कम होता जाएगा, गैमेटोफाइट, और कौन बढ़ता जाएगा। तो लकीली हम लोगों ने 5 में से 4 को निपटाया, बोलो कौन कौन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, नाउ दिस इज एंजियोस्पर्म। तो वैसे तो 12th के बोर्ड वाले पार्ट से एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम से हटा दिया गया, प्लांट किंगडम के से एंजियोस्पर्म को हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक और है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें इंक्लूड किया गया, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम कि नीट में हटाया गया कि नहीं हटाया गया। So, हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्लांट इज एंजियोस्पर्म। चलो आओ पढ़ते हैं भाई, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो इसको भी खत्म करते हैं, एंजियोस्पर्म। कुछ लोग आज की क्लास के पहले प्लांट का मतलब केवल एंजियोस्पर्म समझते थे, वो समझते भी नहीं थे कि प्लांट में एल्गी भी हो सकता है, ब्रायो भी हो सकता है, टेरिडो भी हो सकता है, जिम्नो भी हो सकता है। उनका मानना था प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, ऐसा है क्या, जो इस दुनिया में कैसा है, मल्टी सेलर, कैसा है यूकैरियोटिक, कैसा है ऑटोट्रॉपिक, कैसा है क्लोरोफिल कंटेनिंग, बताओ वो क्या है, प्लांट, क्या एल्गी प्लांट है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, और ये एंजियोस। आइए आज हम लोग एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट, दे आर फ्लावरिंग प्लांट, दुनिया में अकेला पौधा है जिसने फ्लावर बनाए, इसके पहले ना किसी के पास फ्लावर थे ना इसके बाद किसी के पास फ्लावर आए। दे आर द प्लांट विच मेक द फ्लावर, ओके याद रखना। एंजियोस्पर्म दे आर ऑल्सो नोन फॉर द सीड विथ कवरिंग ऑफ ओवरी, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट बोल दिया, कवरिंग ऑफ ओवरी, इट मींस दे हैव द सीड विथ फ्रूट, विथ फ्रूट, ये अकेले प्लांट है जिनमें फल भी है और बीज भी है। बताओ इसके पहले जो जिम्नोस्पर्म थे उनमें फल था कि नहीं था, नहीं था, केवल क्या था, बीज, सीड विथ फ्रूट, एंजियोस्पर्म। ओके वन थिंग मोर,
याद रखना है आपको, दे आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक प्लांट विथ मेन प्लांट बॉडी एज स्पोरोफाइट। बताओ इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट। बताओ इस दुनिया में अगर कोई स्पोरोफाइट है तो बताओ वो गैमेट बनाएगा कि स्पोर्स? और स्पोर बनाने वाले लोगों में हम लोग क्या ढूंढते हैं? रूट, स्टेम, लीफ। तो क्या ये रूट, स्टेम, लीफ रखेंगे? यस। तो ये तो इनका परिचय है। एक और परिचय जो मैं दोहराना चाहता हूं, क्या आपको याद है दे आर द मेंबर ऑफ स्पर्मेटोफाइटा? स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है? दे आर सीड मेकिंग प्लांट। बट क्या सीड के साथ ये फ्रूट भी रखते हैं? यस। चलिए इतनी चीजें बाय बाय करते हैं, और बाय बाय करने के बाद हम लोग अपना एट पॉइंट सिस्टम अपनी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो, सो एट पॉइंट सिस्टम में एंजियोस्पर्म में पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट। हमने सारे प्लांट को इन्हीं 8 पॉइंट में पढ़ा है, तो ये भी पढ़ डालते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। दे आर वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड प्लांट, वर्ल्ड वाइड हर जगह मिलेंगे आपको। आपको ये प्लेन्स में मिलेंगे, ये आपको हिल्स में मिलेंगे, ये आपको एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे, इवन आपको ये डेजर्ट में भी मिलेंगे, रेगिस्तान में भी मिलेंगे। तो ये इनका हैबिटेट हो गया। वाइड दियर डिस्ट्रीब्यूशन इज सो वाइड, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। इसके लिए मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ाया था कि दुनिया में जो लोग भी अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर देते हैं वो एक जगह पाए जाते हैं कि सब जगह? सब जगह। अगर आप केवल पानी पे डिपेंडेंट हो तो केवल वहीं मिलोगे जहां पर क्या है? पानी। याद रखना देयर वाटर डिपेंडेंसी इज रेयर। इनकी वाटर डिपेंडेंसी रेयर है, इसलिए इनका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत जगह जगह मिलते हैं। पहाड़ों में मिल जाएंगे, मैदानों में मिल जाएंगे, रेगिस्तान में मिल जाएंगे, पानी वाली जगह पर भी मिल जाएंगे। याद रखना हैबिट्स, हैबिट जब कभी आपको लिखनी हो ये तीन मुख्य फॉर्म में मिलेंगे। ये आपको हर्ब्स के रूप में मिलेंगे जिनके तने हरे हों, ये आपको श्रब्स के रूप में मिलेंगे झाड़ियों की तरह मिलेंगे, और ये आपको ट्रीज के रूप में भी मिलेंगे, वुडी स्टेम वाले ट्रीज के रूप में मिलेंगे। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, याद रखना कल मैंने शब्द यूज किया था लार्जेस्ट। क्या शब्द यूज किया? लार्जेस्ट। आज मैं यूज कर रहा हूं टॉलेस्ट। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री बिलोंग टू दिस ग्रुप, इट इज यूकेलिप्टस रेगिनेंस। दुनिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है। कल मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट ट्री, याद है? लार्जेस्ट ट्री कौन सा था? सिकोइया। और ये दुनिया का टॉलेस्ट ट्री, लगभग 135 मीटर, 5-7 मीटर बड़ा है ये सिकोइया से। लेकिन जब आप गूगल करेंगे तब आप मुझसे लड़ेंगे, क्योंकि गूगल में लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट दोनों ही किसका नाम दिया गया है? सिकोइया। इसलिए कोई मुझसे लड़ेगा नहीं, लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट दोनों में सिकोइया दिया गया। लेकिन इन फैक्ट द टॉलेस्ट ट्री इज यूकेलिप्टस एंड द लार्जेस्ट ट्री इज सिकोइया, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग बहुत होती है
और इसमें ब्रांचिंग कम होती है, इसलिए लार्जेस्ट कम है ये, टॉलेस्ट ज्यादा है। सो दिस इज हाउ हैबिट एंड हैबिटेट एंड्स। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद दूसरा पॉइंट आता है फॉर्म। 8 पॉइंट में हमने सब कुछ पढ़ा है, तो इसको भी 8 पॉइंट में ही पढ़ेंगे। द सेकेंड पॉइंट इज फॉर्म। फॉर्म में आपको मैंने पहले बोला दे आर मल्टी सेलुलर। ओके, दे आर यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, दे आर क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस का मतलब है ये ग्रीन कलर के होते हैं। इट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉपिक। इसके अलावा आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट दैट इज 2n एंड दे आर हेट्रोस्पोरस। कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जितने लोगों को याद होगा उसको इस पॉइंट से दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बताया था इस दुनिया में जितने लोग भी सीड बनाते हैं या सीड बनाने की हैबिट रखते हैं, जितने लोग भी दुनिया में सीड बनाते हैं या फिर सीड बनाने की हैबिट रखते हैं, वो कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस। तो क्या टेरिडोफाइटा के कुछ मेंबर हेट्रोस्पोरस होते हैं? यस। कौन से वाले? जो सीड हैबिट क्रिएट करते हैं। जिम्नोस्पर्म इज हेट्रोस्पोरस क्योंकि उस पर सीड पाया जाता है, और एंजियोस्पर्म भी कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस। सो आप लोग को मालूम है मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिलस है, ऑटोट्रॉपिक है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। तो ये हो गया इनका फॉर्म। फॉर्म के बाद नाउ देयर इज द थर्ड पॉइंट, इट इज मॉर्फोलॉजी। कौन ये नहीं जानता होगा? मुझे लगता है कि प्लांट के रूप में एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी इज वेरी मच क्लियर। इवन एक चैप्टर भी है हमारे पास, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो खैर, मॉर्फोलॉजी पढ़ाते वक्त आपको याद रखना पड़ेगा, दे हैव रूट, दैट रूट मे बी टैप रूट, मे बी फाइबरस रूट, और मे बी एडवेंटिशियस रूट। ज्ञानी लोगों ने बोला एडवेंटिशियस रूट क्योंकि वो जानते हैं एंजियोस्पर्म में ये तीनों रूट्स आपको पढ़ाई जा चुकी है, टैप रूट, फाइबरस रूट और एडवेंटिशियस रूट। दे मे हैव स्टेम, स्टेम मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, बोथ, ब्रांच भी हो सकते हैं अनब्रांच भी हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा दे मे हैव लीफ, लीफ लीफ मे बी सिंपल और कंपाउंड। तो मॉर्फोलॉजी नाम का एक पूरा चैप्टर ही है, तो वो आपके कोर्स में है ही, मैं पढ़ाऊंगा। सो दे मे हैव रूट दैट मे बी टैप और द फाइबरस और एडवेंटिशियस, स्टेम में भी ब्रांच और अनब्रांच, लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड। ओके, मॉर्फोलॉजी हो गई। अब ये मत कहना कि एनाटॉमी कोर्स में नहीं है, एनाटॉमी कोर्स में है और एनाटॉमी विल बी स्टडी इन डिटेल, इन डिटेल इन अ सेपरेट चैप्टर। पूरा का पूरा एक चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के नाम से। चौथा पॉइंट हो गया एनाटॉमी, वो भी मैं सेपरेट में पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो पहला हो गया हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा हो गया फॉर्म, तीसरी हो गई मॉर्फोलॉजी, चौथी हो गई एनाटॉमी जिसका डिटेल में पढ़ाऊंगा। अच्छा, पांचवा पॉइंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ज्यादा बवाल नहीं करेंगे, केवल इतना लिखेंगे, चूंकि क्लोरोफिलस है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं,
और ऑटोट्रॉपिक है। और अगर आप भूले नहीं हो तो मैंने कुछ प्लांट के नाम बताए थे जो इंसेक्टिवोरस थे, याद है हमको, जो कीड़े खाते थे, क्या वो ऑटोट्रॉपिक नहीं थे? थे, इसके बावजूद भी वो क्या थे? कार्निवोरस। इसके अलावा एक मैंने टोटल पैरासाइट प्लांट बताया था, नाम याद है, इट इज कस्कुटा अमर बेल। तो ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं। देयर आर सम प्लांट विच आर कार्निवोरस, द कार्निवोरस प्लांट आर आल्सो नोन एज इंसेक्टिवोरस। क्या बोल सकते हैं? इंसेक्ट। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके ओके, नाउ देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेनली दो प्रकार का है, वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एंड नंबर टू इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये भी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, जैसे ट्यूबर, भूल ही गए होगे मॉर्फोलॉजी का ट्यूबर, जैसे कि राइजोम, याद है। इसके अलावा बल्ब, बल्बिल्स, इसके अलावा रनर, याद है। इसके बाद सकर, एटसेट्रा। बहुत तरीके हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। इसलिए मैं इन्हें केवल छू रहा हूं क्योंकि मॉर्फोलॉजी में ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। सो देयर मेन रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बच्चों, फिर सुनील सर फंसने वाले हैं अपनी बात में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइगैमेट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, एंड एज वी ऑल नो अपर एंजियोस्पर्म इज स्पोरोफाइट। हमारा एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट है तो सर तो फंस गए। क्यों? क्योंकि सर कह रहे हैं कि ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं गैमीट बनाकर। अगर ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट बनाकर करते हैं तो याद रखना ये स्पोरोफाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि बंदा कैसा है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट दुनिया में गैमीट बनाने, क्या बनाने आया? स्पोर। तो मैं कहता हूं एंजियोस्पर्म से पहले मैं बनवाऊंगा स्पोर, जैसा मैंने जिम्नोस्पर्म में किया। स्पोर को जर्मिनेट करके बनवाऊंगा गैमीटोफाइट। स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट से मैं बनवा लूंगा गैमीट्स। क्या बनवा लूंगा? गैमीट्स। और गैमीट्स बना करके मैं रिप्रोडक्शन करवा लूंगा, कौन सा? सेक्सुअल। इसका मतलब यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सिंगल स्टेप है कि डबल स्टेप? डबल स्टेप। व्हाई इट इज डबल स्टेप? क्योंकि बंदा कैसा है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से मैं क्या बनवाऊंगा? स्पोर्स। स्पोर का क्या करवाऊंगा? जर्मिनेशन। क्या बनवाऊंगा? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट से क्या बनवाऊंगा? गैमीट्स। वन स्टेप प्रोसेस की टू स्टेप प्रोसेस? टू स्टेप। इसका मतलब है इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस, इट इज नॉट अ इजी वन। ये इजी नहीं है। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म जैसा इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको भारी पड़ सकती है। आज उन कॉम्प्लेक्सिटी का मैं केवल आपको दर्शन कराने जा रहा हूं। समझा तो मैं आज पाऊंगा नहीं, क्योंकि आज बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैं पहले आपको उनके दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे साथ दर्शन करिए। बताओ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? दो, वन इज वेजिटेटिव, अनदर वन इज सेक्सुअल। देखा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आलू की आंखें हैं, आपको मालूम है, वो बोलते हैं ट्यूबर। गन्ने के इंटरनोड्स हैं, याद है आपको, नोड्स एंड इंटरनोड्स, सॉरी नोड्स हैं। और इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका मेन रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे विल फॉर्म द गैमिट्स, और गैमिट बनाना इनका काम नहीं है, क्योंकि बंदा कैसा है? स्पोरोफाइट। तो पहले क्या बनाएगा? स्पोर।
फिर क्या बनाएगा, स्पोर्स टर्मिनेट करेगा, क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, गैमेट्स। कुछ देर के लिए आप लोग केवल सुनेंगे, आप लिखने में रहे तो आप बिल्कुल मिस करेंगे। सर आपने मुझे जो सिखाया है कि मुझे एंजियोस्पर्म के ही फॉर्म पता करनी चाहिए, यस मैंने कहा एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट है, तो आपने मुझे तो सर ये सिखाया है कि मैं स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीव को ढूंढकर खुशना हूं आगे बढ़ूं। मैंने कहा बिल्कुल सिखाया, तो आप ढूंढते क्यों नहीं हो। तो उसने कहा ठीक है सर, देखिए मेरे हिसाब से दुनिया का हर एंजियोस्पर्म में तीन बातें हैं। मैंने कहा बोलो बेटा, अब दोबारा डायग्राम बनाने जा रहा हूं जो मैं पहले बना चुका हूं। सर इनके पास रूट है, मैंने कहा रूट है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सर इनके पास स्टेम भी है, मैंने कहा ठीक है बेटा स्टेम भी है। फिर सर इनके पास सर लीफ भी है, मैंने कहा ठीक है बेटा लीफ भी है। सर जी तो इट हैव द रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है सर इनके पास रूट स्टेम लीफ है, और सर मैं रूट स्टेम लीफ के बारे में जानता हूं जिसके पास होता है बंदा क्या कहलाता है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट है तो एन है कि टू एन है, टू एन। लेकिन मैंने कसम खाई थी कि रूट स्टेम लीफ मिलने के बाद मैं रुकूंगा नहीं, क्या ढूंढूंगा, भूल गए, क्या ढूंढूंगा, स्पोरोफिल, बोलो, और स्पोरोफिल बंदा होमोस्पोरस है कि हेटरोस्पोरस, हेटरोस्पोरस, तो कितने प्रकार की, दो, वन इज माइक्रोस्पोरोफिल, दूसरी मेगा स्पोरोफिल। लिखिएगा मत, बहुत ध्यान सुनिएगा, पहले ध्यान सुनिएगा। मुझे मिल गया रूट, मुझे मिल गया स्टेम, मुझे मिल गया लीफ, अब मैं ढूंढने लगा स्पोरोफिल। जब मैं स्पोरोफिल मिलने गया तो मुझे माइक्रोस्पोरोफिल मिली। मैंने कहा माइक्रोस्पोरोफिल मिलिए, तो माइक्रोस्पोरोफिल मुझे मिली, और जब मैंने इन माइक्रोस्पोरोफिल से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला मेरा नाम है स्टैमिन। माय गुडनेस, स्टैमिन इज नथिंग बट माइक्रोस्पोरोफिल। और मैं दिमाग लगाया कि जिम्नोस्पर्म में भी माइक्रोस्पोरोफिल मिलती थी और उन पर भी क्या होती थी, माइक्रोस्पोरेंजिया, यहां पर भी माइक्रोस्पोरोफिल मिल रही है, पर इन माइक्रोस्पोरोफिल का नाम क्या है, स्टैमेन, बोलो क्या नाम, और वहां माइक्रोस्पोरोफिल के झुंड का नाम क्या था, मेल कोन, बोलो क्या नाम था, और यहां माइक्रोस्पोरोफिल के इस झुंड का नाम है एंड्रोसियम, बोलो क्या नाम है, एंड्रोसियम। माय गुडनेस, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। यस सर जी, जो मेल कोन है जिम्नोस्पर्म में वो एंजियोस्पर्म में क्या कहलाया, एंड्रोसियम, वेरी गुड। अच्छा बोले सर अगर मैं माइक्रोस्पोरोफिल ढूंढ चुका हूं तो मुझे सर मेगा स्पोरोफिल ढूंढनी चाहिए, मैंने ढूंढो, बोले मेगा स्पोरोफिल ऐसी दिखती है, ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी। बोले सर ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये मेगा स्पोरोफिल है, मैंने कहा इसका नाम है कार्पेल, बोलो क्या नाम, कार्पेल का दूसरा नाम मेगा स्पोरोफिल। तो उन्हें बोला बहुत सारी कार्पेल यहां पर मिल करके, बहुत सारी मेगा स्पोरोफिल मिल करके यहां बना रही हैं गाइनीसियम, बोलो क्या बना रही हैं, गाइनीसियम। अब जितने बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मेरे पास सिंपल कहानी है, और वो सिंपल कहानी ये है कि जहां पर मेल कौन था वहां पर यहां क्या है, एंड्रोसियम, जहां पर वहां फीमेल कौन था वहां पर क्या है, गाइनीसियम। और याद रखना इन एंड्रोसियम और गाइनीसियम को कवर किया कैलिक्स ने और कोरोला, फिर से बोलो, कैलिक्स ने और कोरोला, और जो स्ट्रक्चर बन गया उसका नाम क्या कहलाया, फ्लावर। माई गुडनेस, अगर कोई पूछे कि एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर क्यों है, अगर कोई पूछे जिम्नोस्पर्म में फ्लावर क्यों नहीं है, यस जिम्नोस्पर्म ने फ्लावर बनाने की कोशिश की, लेकिन जिम्नोस्पर्म ने फ्लावर बनाते बनाते क्या बना दिया, कोन्स, क्या बना दिया, मेल कोन एंड फीमेल कोन, लेकिन एंजियोस्पर्म ने कोन बनाने की बजाय क्या बनाया, एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम, और एंड्रोसियम और गाइनीसियम को क्या कवर कर ले गया, कैलिक्स एंड कोरोला, सबसे बाहर कैलिक्स और कोरोला। तो याद रखना जिम्नोस्पर्म ने भी फ्लावर बनने की कोशिश की, लेकिन वो बन, क्योंकि क्या बना बेटा, कोन,
और इन लोगों ने कौन बनाने की बजाय क्या बनाया, एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। और एंड्रूसियम और गाइनीसियम बनाते ही कैलिक्स एंड कोरोला बन गए, तो कैलिक्स कोरोला एंड्रूसियम और गाइनीसियम मिलकर के जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम क्या है, फ्लावर। तो बेवकूफो फ्लावर कोई और चीज नहीं है, फ्लावर भी वही काम करेगा जो कौन करता था, कौन, कौन क्या काम कर रहे थे, स्पोर बनाना, कौन से स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। तो बताओ फ्लावर भी क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। बताओ एंड्रूसियम क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर। अब कुछ लोगों के दिमाग में सच चल नहीं रहा होगा, सर ऐसे कौन पढ़ाता उल्टी सीधी चीजें पढ़ा रहे हो, यस एंड्रूसियम विल मेक माइक्रोस्पोर एंड दिस माइक्रोस्पोर विल नोन एज पॉलन ग्रेन। बोलो क्या नाम है, क्या पॉलन ग्रेन इज गैमिट और गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। और आपको मालूम है गाइनीसियम विल मेक अगेन मेगा स्पोर, क्या बनाएगा, और यही मेगा स्पोर आगे चल के बनाएगा एम्ब्रियो सैक। बोलो क्या बनाएगा, और बताओ एम्ब्रियो सैक इज गैमिट और गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट, कौन सा गैमिटोफाइट, मेल की फीमेल, फीमेल। तो बताओ ये फ्लावर इस दुनिया में माला बनाने के लिए आया है, परफ्यूम बनाने के लिए आया है, भगवान को चढ़ाने के लिए आया है, नहीं, फ्लावर इस दुनिया में ना माला बनने के लिए आया ना परफ्यूम बनाने के लिए आया, फ्लावर इस दुनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने आया है बाय द हेल्प ऑफ एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। व्हाट माय पॉइंट। और अगर आप ये चीजें समझ पा रहे हो तो तुम्हें मालूम है एंड्रूसियम गाइनीसियम कैलिक्स एंड कोरोला दे विल मेक द फ्लावर एंड फ्लावर इज अ साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैंने बोला था कि रिप्रोडक्शन दो ही प्रकार के हैं इनके पास, एक कौन वेजिटेटिव और एक कौन सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, कहीं भी, इट इज इन फ्लावर। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं टेक्निकली जिम्नोस्पर्म फ्लावर क्यों नहीं रखते, बिकॉज वो अपनी माइक्रो स्पोरोफिल को एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं, कॉन्स, और मेगा स्पोरोफिल को बनाकर भी कॉन्स। और ये लोग फ्लावर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये एग्रीगेशन के बाद क्या बनाते हैं, एंड्रूसियम एंड गाइनिस। तो ये कौन बनाते हैं कि फ्लावर बनाते हैं, फ्लावर। तो क्या जिम्नोस्पर्म ने भी फ्लावर बनने की कोशिश की, यस, लेकिन क्या बन के रह गया, कॉन्स। और इन्होंने क्या बना दिया, फ्लावर, क्योंकि बाहर की तरफ क्या हुई, कैलिक्स और। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो आप बहुत नियर हैं कि ये जानने के लिए कि एंड्रूसियम इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यस, गाइनीसियम इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यस, बट एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर स्पोर नॉट फॉर गैमीट्स। और ये क्वेश्चन मैंने एक साल पूछा कि बताओ कि एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर गैमीट्स, यस और नो, नो, एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर स्पोर्स, दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर स्पोर्स नॉट फॉर गैमीट्स। सो अगर आप लोग इतनी सारी चीजें समझ गए हैं तो आज की क्लास मैं यहीं एंड करता हूं, ऑल्दो 20 मिनट्स मैं पहले कर रहा हूं, पर मुझे मालूम है आगे इसके बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और आज तुम एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ी चुके हो, दूसरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक तुम झेल नहीं पाओगे, मैं जानता हूं। इसलिए आज का टॉपिक यहीं रखते हैं और कल ये चैप्टर कंप्लीट होगा, कल ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो परसों हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड और इसका होमवर्क पूरा मेंटेन करो और बनाओ और मुझे बताओ। टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।